मैं हूं नेहा गुरवालिया। बात किसान आंदोलन से जुड़ी। किसान के आह्वान पर आज पूरा भारत सुबह के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद है। किसानों के इस भारत बंद को बहुत सारे राजनीतिक दल और अन्य संगठनों का समर्थन भी मिला हुआ है, जिसमें 20 सियासी दल, 10 मजदूर संगठन और रेलवे, परिवहन और बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं, जिसका असर देश के अधिकांश हिस्सों में देखा जा रहा है, जहां बाजार बंद है, बसें रुकी हुई हैं और कहीं कहीं तो ट्रेन भी रोकी जा चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा भारत बंद हो। बहुत से राज्यों में मंडियां खुली हुई हैं और खरीद बिक्री भी चल रही है। किसान पिछले 12 दिनों से सिंधु बॉर्डर और पर जमे हुए हैं, जिसके बाद आज वो 13वें दिन भारत बंद कर देश भर में कर रहे हैं अपना प्रदर्शन। कल एक बार फिर किसानों से केंद्र की छठी बार बातचीत होनी है। हालांकि 5 बार हुई बातचीत का कोई फायदा अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि किसान कृषि बिल की वापसी चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन में सियासत भी शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि इसका खमियाजा किसान को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहले से ही किसान आंदोलन पर कई तरह के बेबुनियादी सवाल उठते रहे हैं, जिससे किसान अब तक बचते आ रहे थे। लेकिन जिस तरह भारत बंद की आड़ लेते हुए सभी केंद्र विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन से जुड़ गई हैं, उसके बाद ये बात लगातार फैल रही है कि किसान आंदोलन राजनीतिक है। हालांकि किसानों का साफ कहना है कि ये उनकी अपनी मांग है और जिस तरह से वो पूरी तैयारी के साथ सिंधु बॉर्डर पर जमे हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि अगर आंदोलन लंबा भी खींचता है तो भी वो तैयार है, जब तक कि सरकार उनकी मांग, जो कि सबसे अहम है, कि किसान बिल को वापस लिया जाए, नहीं मान ली जाती है। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीएनएन।